मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह सूखा पार्ट टू आ गया हमारे घर पे। ये रहा आदेश और ये बिरयानी लेकर आ गया सुबह पहले। मैंने पर ब्रश कर ली, ब्रश करके खा लेंगे और क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये बाल इसने अपनी बहन से स्ट्रेट कराए, देख सकते हो। मेरी मौसियाँ पूछ रही थी हमारा कुछ काम वाम करवा दे। मैं कहा ठीक है, करवा देंगे कम रेट में थोड़े। अरे ऐसे देख लो, इसने अपने करवा रखे सीधे सीधे बाल है। 50% डिस्काउंट हटाओ बस, अब तो मौज लो मौसी और बताओ। 50% अब तो आके करवा ही लेना, क्योंकि पूछ रही थी एक दिन फोन आया था। मैं यूं कह रही लड़कों का पार्लर है या लड़कियों का। मैं लड़कियों का कंफ्यूजन हो रही थी ना। अब मैंने बोल दिया ये ऑफर सिर्फ आज का है। नहीं, मतलब पागल ब्लॉग तो जब आएगा, नहीं जब जिस दिन ब्लॉग देखेंगे उस दिन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, उस दिन से 24 घंटे तक स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं रोज देखेंगे। नहीं, वो तो रोज देखते हैं। अब क्या पता आ भी जाए, उनका कुछ पता नहीं है। करवाने आ सकते हो, यही रहते हैं, यही रहते हैं, रोड को धरी रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मतलब ये आज देख ली और ये काम हो गया, काम होने के बाद फिर बाद में आएंगे कि हमने अभी देखा है ब्लॉग। ना ना ना, वो नहीं है। अभी जैसे 8:30 बजे डलेगा तो अगली 8:30 बजे तक उस डेट का, बस उसी दिन का है, एक दिन का, और बस फिर ऑफर खत्म हो जाएगा। ऐसे तो यार तेरा पार्लर चल जाएगा। ऑफर चलवा दे, आज का ऑफर है। ये भाई पीछे नाई की दुकान है ना, उसने भी चला रखे ऑफर। आज इतने रुपए का है, आज के लिए इतना ही ऑफर, आपके 100 रुपए फ्री में हो जाएगा, ये है वो है। तो फिलहाल तो अभी हम ये खाते हैं फिर। तो भाई मैं तो अपना सो गया था आराम से, और अब जाके उठाऊं मतलब नहाने धोने के बाद, अब 5 बजे जाके उठा और जिम में आ गया सीधा डायरेक्ट। कुछ नहीं खाया, बस सो गया। पता ना क्योंकि कल बर्थडे पे चला गया था ना, बर्थडे यार पता है ढाबे वाले ने खाना ही 11 बजे दिया, और फिर बाद में आते टाइम हो गया पेट्रोल ख़त्म। फिर आए पैदल तो नहीं पेट्रोल पंप तक, फिर कैसे पहुँचे, फिर बाद में जाके घर आए 12 बज गए। फिर वो लोग एडिट वेडिट करके डाला, टाइम होगा घना ही। फिर मैंने कुछ कैंसिल भी नहीं करा, मेरे को पता था कुछ ना कुछ सीन होने वाला इस वजह से। और हमने सैटरडे करी थी लेग्स, और भाई की लेग्स इसने जिंदगी में पहली बार करी। कैसा मजा आया भाई? कितने बजे भाई मेरे? रात जब अपने सुबह सुबह लेटरिंग में जाता हूँ शौचालय में, हैं जतिन भाई ने इतनी बढ़िया लेग मरवाई कि भाई मजे आ गए। शौचालय में जब ये सुबह सुबह गया ना, खड़ा नहीं होया गया इससे। वो रहती ना क्या बोलते, ठुट्ठी को उठ के उठाए। अभी आके बता रहा भाई यार सही में बहुत दर्द हुआ, पर मजा उसी में आता भाई जब दर्द होता है। जब उठा नहीं जाता ना, क्या मजा आ रहा भाई, सब प्यारा प्यारा दर्द। आज हम करेंगे चेस्ट है यार। अरे मतलब नया एक्सपीरियंस मिलता है लेग्स करने के बाद, ऐसा लगता पता नहीं हम क्या ही कर रहे हैं, मजा सा आ जाता है करने के बाद। कर दो आज ये चेस्ट करेंगे, आज की चेस्ट है बस। बहुत कम है इसका वेट, 10 किलो 20 किलो 20 किलो उठा रहा बस। अच्छा लगाएगा तुम, कितने पहुंच जाएगा लास्ट? 30-40 एक बताया भाई, 10 किलो 40। चलो देखते 40 पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। सो वी रीच द होम, और मम्मी ने मेरे को आते ही कॉफी दे दिया, कोल्ड कॉफी अपना। थोड़ा प्रोटीन के बदले यही पी लेते हैं तो सही रहता। टाइम हो चुका है 6:10 और बाहर चल रहा है किसी का डीजे, किसी का कोपोजन है मेरे ख्याल से पड़ोस पड़ोस में। तो बाहर एक लड़की कर रही है, छोटी सी बच्ची डांस, जो हमारे नीचे रहती है, हैं। तो मम्मी उनकी वीडियो बनाने लग रही है, तो उस वीडियो को डालेंगे। मम्मी कह रही थी मतलब अच्छा नाचती है भाई, एक नंबर, मतलब वो होगी कुल प्ले स्कूल में, प्ले स्कूल के हिसाब से वो 3 या 4 साल की है बस, और इतना तगड़ा नाचती है ना, इतना तगड़ा भी डालूंगा देखना। मतलब मैं देख के फैन वो हो गया, मक्का भाई साहब मेरे को तो ऐसे करना भी नहीं। वो तेरी आँखा कहीं काजल, ओ भाई साहब ठुमके मारे इतने तगड़े, छोटी सी बच्ची मस्त। अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो मम्मी वीडियो बना कर ला रही है। मुझे तो पता ही नहीं था हमारे घर में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं नीचे। वाह यार, मतलब और भी, मतलब हमारे घर के रिलेशन में भी है, वो उनको भी नाचना नहीं आता इतना अच्छा। बच्चे को छोटे छोटे उनको आता है, बहुत छोटी है। अरे
मम्मी की कॉल आ गई है, मम्मी ने करा है आटा पिसवाने गई थी मम्मी, और आटा पिसवा लिया, अब लेकर आना पड़ेगा मुझे बाइक पर ही। मैं तो सोच रहा हूँ कि 30 रुपये के पेट्रोल में क्या क्या होगा मेरा, मतलब एक तो मैं डलवाता हूँ ऊपर से अपने पैसे के, ऊपर से ये सब। तो भाई ठाल आए, बाइक से लेकर आए थे और अभी फिर जाते कहीं पे। सो वी रीच होम, और टाइम हो चुका 9 बजे। फोन आ रहा तेरा, किसको आ रहा? ताई जी। अच्छा हेलो ताई जी, नमस्ते। नमस्ते बिनाली मेरी ची, इतनी बड़ी बेइज्जती छोड़ अब तो, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। सो इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। भाई साहब उस बच्चे का डांस इतना प्यारा था, इतना प्यारा, अभी देख लिया होगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अब इसको भी यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।